आठवां प्रस्ताव जो था, आठवां विषय जो कि आज के प्रस्ताव में पास किया, वह है जनहित के मुद्दों को संघर्षपूर्ण आंदोलन के कारण श्रीमती ममता देवी जी आज जेल में और उन्हें विधानसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। यह सभा उनके जुझारू नेतृत्व और संघर्ष की प्रशंसा का प्रस्ताव पारित करती है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये संकल्प लेती है कि जिस जन आंदोलन के चलते हुए साजिश के तहत उनको उनके ऊपर में आरोप जो लगाए गए जिसका निराकरण सामान्य तौर पर साधारण तरीके से हो जाता था, वहां पर इसे अति एक भूमि तक ले जाकर और 5 साल की सजा उन्हें दी गई है। मैं समझता हूं कि कानून सबके लिए एक है। आप खुद इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं कि आज झारखंड के अंदर में अन्य पार्टी के विधायकों के ऊपर भी इससे संगीन आरोप है, लेकिन उन संगीन आरोपों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने अलग अलग पैरामीटर्स के तहत निर्णय लिया। ये वाकई में चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि न्याय जब सबके लिए एक है, तो अगर गैर कांग्रेसी विधायक भी अगर हैं, यहाँ मेरे साथी बैठे हुए हैं भाई बंधु तिरके जी, आपने देखा उनका क्या किस प्रकार से हज किया गया, कांग्रेस ने जीता, और इसीलिए पूरी सभा में ये संकल्प लिया गया कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है कि रामगढ़ के इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और माननीय हमारे जो बहन है ममता जी के ऊपर में जो अन्याय पूरा समाज महसूस कर रहा है उसका जवाब एक भारी जीत के साथ मांगते हैं। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, जैसा मैंने कहा कि आज ये नवनियुक्त समिति की पहली बैठक है और आज हम सब अगर ऊर्जा हमारे अंदर में ऊर्जा है जो हमारा एक मोटिवेशन है, तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ जो नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी दे रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में पिछले 17 वर्षों जो उनके नेतृत्व बल्कि 20 वर्ष में हमने जो उनके नेतृत्व में कांग्रेस को एक मजबूती मिली, हमको एक अभिभावक के रूप में उन्होंने पूरे संगठन को संभाला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।